माई डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 लेसन नंबर 2, लेसन नेम इज अ मेनी मून्स। आज हम लोग पार्ट 3 के अंतर्गत नॉट यट से रीडिंग करेंगे। नॉट यट सेड द कोर्ट जेस्टर, राजसी विदूषक ने कहा, नॉट यट फिर भी नहीं, बट आई गेट फॉर यू राइट अवे, मैं तुम्हारे लिए ठीक चीज ले आऊँगा। हाउ बिग डू यू थिंक इट इज, तुम्हारे विचार से कितना बड़ा है? इट इज जस्ट ए लिटिल स्मॉलर देन माई थंबन नेल, थ्री साइड का, उसने कहा थंबन नेल से छोटा है। फार व्हेन आई टोल्ड माई थंब नेल अप एट द मून, इट इज जस्ट कवर सिट, जब मैं उसको रखती हूँ तो उसको कवर कर देता है। एंड फार हाउ फार अबे, इट इज आस्क द कोल्ड जेस्टर, कोल्ड जेस्टर ने पूछा कितनी दूर है ये। इट इज नॉट एज हाई एज द बिग ट्री आउटसाइड माई विंडो, मेरी खिड़की के बाहर जो पेड़ है उससे ज़्यादा ऊंचा नहीं है, सेड द प्रिंसेस, राजकुमारी ने कहा। फॉर सम टाइम्स इट गेट्स कॉट इन द टॉप ऑफ ब्रांचेज, क्योंकि ब्रांचेज के ऊपर ही आ जाता है। आई विल क्लाइंब द ट्री टू नाइट, मैं आज रात पेड़ पर चढ़ूंगा। व्हेन द मून गेट्स कॉट इन द टॉप ब्रांचेज, जब टॉप ब्रांचेज पे आएगा, एंड ब्रिंग इट टू यू, सेड द कोल्ड जेस्टर, कोल्ड जेस्टर ने कहा मैं उसे ले आऊँगा तुम्हारे पास। देन ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स, फिर उसने कुछ और सोचा। वाट इज द मून मेड ऑफ, प्रिंसेज ही आज, उसने पूछा राजकुमारी ये तो बताओ ये बना किस चीज़ का। ओ सी साइड, उसने कहा इट इज मेड ऑफ गोल्ड ऑफ कोर्स, वास्तव में ये सोने का बना हुआ है। द कोल्ड जेस्टर बेंट टू सी द रॉयल गोल्ड स्मिथ, जो कोल्ड जेस्टर था रॉयल गोल्ड स्मिथ के पास, सुनार के पास गया। एंड हैड ही मेक ए टिनी गोल्डन मून जस्ट ए लिटिल स्मॉलर देन थंबनेल ऑफ द प्रिंसेज लेनोर, राजकुमारी लेनोर के थंबनेल से थोड़ा सा छोटा मून बनाने के लिए वो भी गोल्डन सोने का कहा। देन ही हैड हिम स्ट्रिंग इट ऑन ए गोल्डन चैन टू द प्रिंसेज कुड वियर इट राउंड हर नेक, और एक जंजीर लगाने के लिए कहा जिससे राजकुमारी अपने गले पे उसे पहन सके। बट द किंग न्यू, लेकिन राजा जानता था, दैट द मून वुड शाइन इन द स्काई अगेन दैट नाइट, कि चंद्रमा रात में दोबारा चमकेगा। इफ द प्रिंसेस शुड सी, राजकुमारी उसे देखेगी, सी वुड नो, वो जान जाएगी, दैट द मून सी और एंड चैन वाज नॉट द रियल मून, कि वास्तव में रियल मून नहीं है। सो ही सेड टू द प्राइम मिनिस्टर, उसने प्राइम मिनिस्टर से कहा, वी मस्ट कीप द प्रिंसेस फॉर सीइंग द मून टू नाइट, राजकुमारी को आज चंद्रमा आज की रात देखने से दूर रखना होगा। थिंक ऑफ समथिंग, कुछ ऐसा सोचो। द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्रधानमंत्री ने कहा वी कैन मेक सम डार्क ग्लासेज फॉर द प्रिंसेस, हम उसके लिए कुछ डार्क ग्लासेज ले आ सकते हैं। दिस मेड द किंग वेरी एंग्री, राजा बहुत क्रोधित हो गया। इफ सी वॉर डार्क ग्लासेज सी वुड बम्प इन टू थिंग्स, इससे वो तो चीज़ें ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। ही साइड, उसने कहा, एंड सी वुड बी लगिन, वो दोबारा बीमार हो जाएगी। सो ही कॉल्ड द रॉयल मेजिशियन, उसने रॉयल मेजिशियन को बुलाया, हु स्टूड ऑन हिज हैंड, जो उनके पास में खड़ा था, एंड देन स्टूड ऑन हिज हेड एंड देन स्टूड ऑफ हिज फीट अगेन, उसने सिर झुकाया, पैरों के पास बैठ गया। आई नो वाट वी कैन डू ही साइड, उसने कहा मैं जानता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। वी कैन स्ट्रेच सम ब्लैक वेलवेट कर्टेंस ऑन पोल्स टू कवर ऑल द प्लेसेज गार्डन्स लाइक ए सर्कस टेंट, एक सर्कस टेंट की तरह हम बड़े बड़े जो वेलवेट के चादर हैं उनको फैला देंगे। द किंग वॉज सो एंग्री, राजा इससे और क्रोधित हुआ, दैट ही बेब्ड हिज आर्म्स राउंड, उसने अपने हाथ चारों तरफ किया। ब्लैक कर्टेंस वुड कीप द एयर ही साइड, उसने कहा, एंड प्रिंसेज लेनोर वुड विल बी अगेन, राजकुमारी अगर जान जाएगी दोबारा बीमार पड़ जाएगी। ही सेंट फॉर द रॉयल मैथमेटिशियन, उसने रॉयल मैथमेटिशियन को बुलाया। द रॉयल मैथमेटिशियन वॉकड अराउंड इन ए सर्किल एंड देन ही वॉकड अराउंड इन ए स्क्वायर एंड देन ही स्टूड स्टिल। आई हैव इट ही साइड, वी कैन सेट ऑफ फायर वर्क्स इन, उसने कहा ये गोल गोल मैंने गोला खींच दिया है, इसको हम पूरी तरह से सुरक्षित कर लेंगे और ये हमारे लिए ठीक हो।